टोंक में तबलीगी जमात से लौटे चार जमातियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान एडीजी नीना सिंह ने टोंक पहुंचकर पूरे मामले का फीडबैक लिया और साथ ही जिला कलेक्टर के शर्मा, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा और डिप्टी सौरभ तिवारी के साथ कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं सभी जिला आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर के शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि टोंक में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 1 कोरोना पॉजिटिव टोडा रायसिंह में मिला है और इसके बाद पॉजिटिव मरीजों के परिजनों को सआदत हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है और सबके सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं। खबर सिरोही से है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर विधायक संयम लोढ़ा लगातार